हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड की। इस शेयर की अगर हम बात करें तो अभी ये शेयर अगर हम बात करें एक तरीके से डीमर्ज होता हुआ नजर आया है अपने किस यहाँ पर आप देखेंगे रेमंड लिमिटेड से। ठीक है, 4:5 में यहाँ पर डीमर्ज होता हुआ नजर आया था, 2:1 मर्जर ऑफर रे ग्लोबल, है ना। तो अभी डीमर्ज होता हुआ नजर आया, तो अभी ये लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और शेयर जब से लिस्ट हुआ है पहले तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि यहाँ से शायद तेजी हो सकती है। बट स्टिल याद रखिएगा एक चीज को, जब भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊं बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है ना। आपको जितना सीखने पे फोकस करोगे ना उतना आपका पैसा बनेगा, उतना आप ज्यादा बेटर बनते हुए नजर आओगे। ठीक है, मेरे और किसी और के कहने पर ना तो आपको लेना है और ना ही आपको मेरे और किसी और के कहने पर बेचना है। सिंपली आपको चीजों को सीखने पर फोकस करना है, जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज आप पहली बात तो वीडियो लास्ट तक नहीं देखते, जिसकी वजह से आप के और मेरे जो बताया होता है उसमें अगर हम बात करें मिसकम्युनिकेशन होता हुआ नजर आता है, और जिसकी वजह से आप किसी भी लेवल पे कुछ भी चीजें किसी के भी कहने पर ले लेते हो और फंस जाते हो। ठीक है, और फंसना भी नहीं पर 2-4-5 रुपए नीचे आते हैं, मार्केट गिरती है, वहां पर आपको डरना शुरू हो जाते हो। डरने के बाद आप कमेंट करना शुरू कर देते हो, इन अप्रोप्रिएट आप बातें करना शुरू कर देते हो, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, चीजों को यहाँ पर सीखो। एक दो चीजें किस लेवल पे बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है, उसका जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करोगे तो उसमें मैं क्या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिखाने का पर्पज है और वही हम सिखाते हैं। और सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको वीडियोज जाके देखनी है। एक से बढ़कर एक वीडियोज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर अच्छे अच्छे टारगेट अचीव होते हुए भी नजर आए हैं। किस तरीके से स्टडी करनी है, कभी भी हम यहाँ पर फंसते क्यों नहीं है, वो सब चीजों से आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको सीखने यहाँ पर हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट और की नोटिफिकेशन को ऑन करना है। किसी के कहने पर नहीं लेना है, ना मेरे कहने पर लेना है, ना किसी और के, खुद की स्टडी करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना है। और जितना हो सके सीखना है तो दूसरा तरीका भी है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 25,000 रुपए का कोर्स है जहाँ पर 1-to-1 क्लासेस होती है, बेसिक्स टू एडवांस रिसर्च फंडामेंटल टेक्निकल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये नंबर्स है, नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और काम करना है तो भी आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम इस पर्टिकुलर शेयर से लेके। देखिए शेयर आया 3100 रुपए के हाई बनाया और उसके बाद 2417 रुपए पे चल रहा है। और आज जहां पर मार्केट गिरी हुई थी ये एडवर्स चलता हुआ नजर आ रहा था, 3.58% की इसमें तेजी थी। क्या यहाँ पर इस शेयर को यहाँ पर अच्छा है या नहीं है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल सब बातें करेंगे, जानेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप बीच में फॉरवर्ड करके देखोगे मैं कह क्या रहा हूँ आपको सुनाई कुछ और देगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आप कमेंट लिखते रहना या कुछ भी लिखते रहना, और जिस तरीके से आप मेरे से बातें करोगे उसी तरीके से मेरा रिप्लाई भी आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे रेमंड की, तो यहाँ पर हम बात करें रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड की। तो आप सभी इससे वेल नोन हो, इस कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, हर तरीके के अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हुए नजर आता है, एक ब्रांडेड नेम है। ठीक है, आप चाहोगे तो आपको पता चलेगा इनका जो ब्रांड है ना, पार्क एवेन्यू के कपड़े आपने पहने होंगे, कलर प्लस के, पार्क्स के, है ना, एथनिक्स बाई रेमंड। तो इनके आपको रेडीमेड कपड़े ही मिलेंगे, इनका यहाँ पर कपड़े भी आते हैं, इनके आपको सूट्स भी मिलते हुए नजर आएंगे। वेडिंग सीजन के लिए, एथनिक के लिए, सब तरीके के कपड़े, ब्रांडेड एपरल्स, है ना, सूटिंग, शर्टिंग, गारमेंटिंग, और हर तरीके के यहाँ पर शॉप भी है इनकी। आप जाओगे आपको सब कुछ पता होता चलता हुआ नजर आएगा। और ये कुछ टाइम पहले इनके जो ओनर थे वो चर्चा में भी थे, आपको पता ही होगा इससे रिलेटेड। तो आप जाके एक बार देख सकते हो और देख के यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए 14,654 करोड़, मतलब क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप की जब मैं बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा अपने दिमाग में क्या याद रखना है कि जब स्मॉल कैप की बात की जाए तो ये याद रखना है कि शेयर सबसे पहली बात तो हमारा चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, तो इसलिए हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, तो हम यहाँ पर इसलिए छोटे छोटे शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। जब स्मॉल कैप की दूसरी बात की जाए, जब शेयर गिरता है ना तो बड़ा यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 80, 90% तक मैंने शेयरों को गिरता हुआ देखा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से गिरते हुए नजर आते हैं। बट जब शेयर भागते हैं तो याद रखिए इन्हीं शेयरों में पैसे ही बनते हुए नजर आते हैं। ये शेयर आपके 5 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 20 गुना, 30 गुना अच्छी कंपनी है तो अच्छे खासे आपकी वेल्थ बनाते हुए नजर आते हैं। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक पीई की। तो 6 का पीई है, इंडस्ट्री पीई की बात करें तो आपको पता चलेगा 30 का, तो बड़ा सस्ता नजर आ रहा है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पीई के बेस पे यहाँ पर कभी काम नहीं करना है। पीई के बेस पे कम है तो लेना है, ज्यादा है तो बेचना है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। बट पीई को इग्नोर भी नहीं करना है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना है। दूसरा, इसके पीयर्स पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, इसके जो पीयर्स है वो 25-25 के पीई पे यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, 81 के पीई पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेमंड है 6 के पीई पे चल रहा है, तो सस्ता है, तो नजर में रखिएगा इस शेयर को। डेट फ्री शेयर है ये, इसकी पॉजिटिविटी है, आरओसी आरओई काफी यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। अभी ये अलग होता हुआ नजर आया, ठीक है, और 9% की प्लेजिंग भी है। तो यहाँ पर हम बात करें, अभी नजर अलग हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जब कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनका रेमंड लिमिटेड है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना, यहाँ पर आप जाओगे ईयरली परफॉर्मेंस, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस पर भी मत जाइएगा अभी फिलहाल की डेट में, क्यों मत जाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी में एज सच अभी जब तक रिजल्ट पेश नहीं किए तो ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं देता। ठीक है ना, अभी बस वैल्यू अनलॉकिंग की के नाम पे इस शेयर को अलग से लिस्ट कराया गया है। बट मैंने क्या देखा है, मैंने क्या सोचा है वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स बड़े हैं कंपनी के। ठीक है, बोरिंग यहाँ पर है नहीं। ठीक है, 23 करोड़ रुपए यहाँ पर आप देखोगे, 23 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। तो ओवरऑल हम बात करें, कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है, एक अच्छा खासा नाम भी है, और प्लस में सीजन आ रहा है वेडिंग का, सीजन आ रहा है यहाँ पर फेस्टिवल का। तो जब यहाँ पर फेस्टिवल वो सब सीजन की बात हो रही है तो एक रिलायबल, जहाँ पर शायद आप कभी भी अपना पैसा ना खो, एक ऐसी कंपनी जो आपके पैसे को बढ़ाएगी भी, ये शेयर उसमें से हो सकता है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखोगे तो शायद ये शेयर आपको अच्छे खासे पैसे बनाता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे। लगभग 55% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से 9% शेयर, ठीक है, यहाँ पर प्लेज हुए पड़े। एफआईस 13%, ठीक है। डीआईआईस की बात करें, इनमें देख सकते हैं बड़े बड़े नाम है। डीआईआईस की बात करें तो लगभग 8% की होल्डिंग है, इसमें बड़े बड़े नाम है। पब्लिक की बात करें तो लगभग 23% है, और यहाँ पर IEPF मतलब PF जो फंड्स होता है उसमें भी 2% की होल्डिंग यहाँ पर लेके रख रखी है। तो ये ओवरऑल बात है। ठीक है, आप और अच्छे से जानना चाहते हो कि इसका बिजनेस कैसे कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप रेमंड टाइप करोगे, ठीक है ना, 1 मिनट दीजिए। तो रेमंड लिमिटेड पे आप जाओगे, ठीक है, तो रेमंड लिमिटेड पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इनके नंबर्स मिलेंगे इस बार के, ठीक है ना। तो ये नंबर पे आप यहाँ पर जाइए, इनके नंबरों पे जाओगे तो यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन नीचे यहाँ पर दे रखा होगा कि इनका जो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर इनके जो लाइफस्टाइल बिजनेस है उसने कितना यहाँ पर काम किया है वो आपको पता चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखोगे रेवेन्यू में तो देखिए टूल्स एंड हार्डवेयर से रेवेन्यू कितनी है, पिछले रियल एस्टेट से कितनी हुई है ना। ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आई है। ठीक है, तो ये एक आइडिया था, जाके आप अपनी तरफ से मेहनत करिएगा। अब बात करेंगे चार्ट से रिलेटेड, चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3100 रुपए का शेयर गिरते गिरते यहाँ पर 2100 रुपए पे आया, और 2100 रुपए से अभी ये 2400 रुपए के आसपास चल रहा है। क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैड अपॉर्चुनिटी है, उससे रिलेटेड मैं बातें करूंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चीजों को सीखें, सीखेंगे पैसा बनेगा। सीखने का तरीका वीडियोज है, सीखने का तरीका हमारा कोर्स है जो कि 1 जनवरी 2025 से 50,000 रुपए की कीमत होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्यों, क्योंकि आपको 1-to-1 क्लासेस में वो मिलता हुआ नजर आएगा जो पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में शायद कोई नहीं सिखाता होगा। ठीक है, वो मिलता हुआ नजर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर आपके सामने, जाके यहाँ पर बात कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। शेयर में लगातार गिरावट है, एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे क्या नजर आता है वो मैं बात करूंगा। मार्केट सबसे पहली बात तो अभी डावाडोल स्थिति में, ठीक है, आज एक अच्छी खासी गिरावट भी हुई है, कल रेट कट भी हुए, तो उस सब चीज को भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं। बट एक लेवल में आपको देता हुआ नजर आ रहा हूँ, उस लेवल पे आपको क्या करना है, उस लेवल पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वो लेवल क्या है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है 2500 रुपए का, 2500 रुपए का लेवल अगर निकालता है तो मुझे लगता है एक तेजी होती हुई नजर आएगी, जो इस शेयर को लगभग 3100 रुपए और 3000 की तरफ ले बढ़ाती हुई ले जाएगी। यहाँ पर जब इस एरिया में हम बाई करते हैं ना, ठीक है, मैं आपको सिखा भी रहा हूँ इस केसेस में, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ लेना है नहीं, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ कुछ स्टडी मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ पर लोगे ना, ठीक है, जब ये 2520 2530 के आसपास आए तो आपको क्या करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है। 2480 रुपए का 2490 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उस स्टॉप लॉस को आप लगाओगे और 2500 के आसपास की आपकी बाइंग होगी, तो आपका रिस्क मैनेज हो गया, ठीक है। आप मुश्किल से 1% का भी रिस्क नहीं ले रहे हो, ठीक है, 1% का रिस्क भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली एक स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो और शेयर अगर यहाँ से निकला तो आपके अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे। नीचे की बात करूं, ठीक है, नीचे अगर ये शेयर 2178 के लेवल को तोड़ता है तो डाउनसाइड खुल जाएगी और डाउनसाइड यहाँ पर नीचे आएगी। अब मैं एक बात बताने वाला था, वो बात क्या है, अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी शेयरों का डीमर्जर होता है और जो कंपनी डीमर्ज होके आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिलायंस लिमिटेड रेमंड लिमिटेड से रेमंड लाइफस्टाइल निकली है, ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है ना तो शेयर में होती है तूफानी तेजी, और वो तूफानी तेजी शेयर को कहाँ ले जाती है, ऊपर की तरफ। बट कंडीशंस होती है, कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना होता है, उसी केसेस में यहाँ पर चीजें चलती है, ठीक है। तो ये डीलिस्ट हुई है, ठीक है, ये कंपनी डीमर्ज होती हुई नजर आई है और यहाँ से अगर निकली तो अच्छी खासी तेजी हो सकती है। बट याद रखिएगा, कंपनी को परफॉर्म करना होगा, कंपनी को कुछ दिखाना होगा, तब ये शेयर कहीं से, शायद ये 2500 रुपए का शेयर आने वाले टाइम में आप 5000 और 10000 भी देख लो, ठीक है ना, और टाइम दोगे तो अच्छी नजर आती है। कंपनी का ब्रांडेड है, सब कुछ अच्छा खासा है, नाम है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए नंबर है, सीखने के लिए वीडियोज है, सीखने के लिए कोर्स है, आप जाके यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।